विधानसभा चुनाव में मतों की काउंटिंग के लिए अब सिर्फ दो ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा को मतगणना के पूर्व स्ट्रांग रूम की चौकसी की चिंता सताने लगी है। राजिम और बिंद्रा नवालगढ़ विधानसभा के स्ट्रांग रूम की चौकसी कांग्रेस और भाजपा ने बढ़ा दी है। कांग्रेस ने बकायदा यहां 3 शिफ्टों में आदमियों की नियुक्ति कर व्यापक रूप से इसकी सुरक्षा व्यवस्था देख रही है, तो वहीं भाजपा भी रुक रुक कर यहां पहुंचकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है। वहीं प्रशासन ने स्ट्रांग रूम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। प्लाटून लगती है तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, और जो आउटर कार्डन होता है हमारा बाहरी दायरा, वहां पे स्टेट आर्म फोर्स लगती है तो वहां पे उनको जिम्मेदारी दी गई है, और सबसे बाहर पर पुलिस जो है, जो राज्य पुलिस का बल रहता है, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, जो दोनों हमारे स्ट्रांग रूम के दरवाजे हैं उस पर 24/7 सीसीटीवी का बैकअप है, और जो हमारे प्रत्याशी और उनके एजेंट जो वहाँ रुकना चाहते हैं, जिन्होंने परमिशन लिया है आर ओ के माध्यम से, वो वहाँ पर आते भी हैं, वो विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं और देख सकते हैं। लगातार उनके डायरेक्ट उनकी आंखों के सामने हमारा स्ट्रांग रूम का दरवाजा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से निगरानी करेंगे, क्यों कहीं इधर उधर ना हो कोई छेड़छाड़, इसलिए। और ये कितने घंटा बैठते हैं आप लोग? हम लोग यहीं पर 24 घंटा रह रहे हैं।